अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने पिछले मॉड्यूल में बात की कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स को इंक्रीजिंगली ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं फंडिंग सोर्सेज के हवाले से लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि फ़ंडिंग जो है लेना वो आसान हो गई है सोशल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बेसिकली मिशन ओरिएंटेड है एक कॉज के लिए लोग काम करते हैं और उसमें ही सबसे बड़ा मसला है कि ज़रूरी नहीं है वो कॉज जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए भी एट्रैक्टिव हो अमूमन काजस जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स के हवाले से होती हैं सोशल प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना उनको सॉल्व करना किसी वलनरेबल ग्रुप की किसी नीड को एड्रेस करना और ये वो एरियाज़ हैं जिनमें मार्केट्स और गवर्नमेंट्स इंटरेस्टेड नहीं हैं इसीलिए सोशल एंटरप्रेन्योर्स उस गैप को फ़िल करने की कोशिश कर रहे हैं तो जिस चीज़ में ऑलरेडी गवर्नमेंट्स मार्केट्स दोनों सेक्टर्स जो मेन हमारे यहाँ इंटरेस्टेड नहीं है उसके हवाले से फंडिंग सिक्योर करना जो है उसमें कई चैलेंजेस आ सकते हैं उनमें से कुछ का हम यहाँ जिक्र करेंगे ताकि आप जब अपने लिए फंडिंग देखना शुरू करें अपनी एक्टिविटी के लिए तो आप अवेयर हों कि आपको किस किस्म की मुश्किल या चैलेंजेस हो सकते हैं और आप उनको एड्रेस करने के लिए तैयार हों सबसे पहले जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर अपनी नेचर में ट्रांसफॉर्मेटिव है डिसरपटि फोर्सेस यूज़ करते हैं कि माशरे में एक स्टेटस को है बाज़ लोग जो हैं वो मस, और माशरे के बाद इससे किसी मसले का शिकार हैं और सोशल जंप इन और वो उस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं मतलब ये कि उनकी एफर्ट का जो बेनिफिट है वो या तो पूरी सोसाइटी को होता है या याशरे के उस हिस्से को होता है जो उसके लिए पे नहीं कर रहा होता या कम से कम डायरेक्टली पे नहीं कर रहा होता इससे कुछ एक्सटर्नलिटीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं और उनको मैनेज करना जो है वो सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए मुमकिन नहीं इन्वेस्टर्स जो हैं वो उससे डिस होते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सटर्नल टू व्हाट दे आर लुकिंग फॉर फैक्टर्स जो है वो क्रिएट कर रही है फ़ायदा तो हो रहा है रिटर्न तो आ रहा है लेकिन इन्वेस्टर को नहीं बल्कि किसी और को ख़ास पर एनवायरनमेंट के केसेस में पूरे माशरे को तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है जिसपे सोशल एंटरप्रेन्योर को इन्वेस्टर्स को कन्विंस करना है कि ये जो एक्सटर्नलिटीज़ हैं ये आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है उसको इफ़ेक्ट नहीं करेंगी या कम अज़ कम इफ़ेक्ट करेंगी दूसरे नंबर पर जो चैलेंज आता है वो उसको हम फंडिंग गैप कहते हैं क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योर्स यूजुअली स्टार्ट स्मॉल और वो स्टार्टअप मनी जो है वो उनको मिल जाती है जैसे ग्रांट्स मिल जाती हैं उनके अपने पास कोई पैसे होते हैं फैमिली फ्रेंड्स सपोर्ट कर देते हैं कुछ ऐसे डोनर्स जो उस मिशन के उस कॉज के हवाले से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हों वहाँ से उनको मिल जाता है लेकिन असल में इशू उन्हें आता है जब वो स्टार्टअप फ़ेज से आगे चलते हैं जब वो स्केलिंग अप की तरफ जा रहे होते हैं उन्होंने स्मॉल लेवल पे अपनी सक्सेस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर दी लेकिन इन्वेस्टर जानना चाहता है क्या क्या स्केल अप करके वही सक्सेस रेट होगा उतना ही रिटर्न आएगा अगर नहीं चूंकि सोशल एंटरप्रेन्योर इस बारे में फारश्योर sure नहीं कह सकता और सोशल एंटरप्रेन्योर्स का स्केलिंग अप का रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा भी नहीं है फैक्चुअली uh, तो इस लिहाज से इन्वेस्टर जो है वो डिसइंटरेस्टेड होता है रिलकटेंट फील करता है कि वो स्केलिंग अप के लिए इन्वेस्ट करे सो अर्ली स्टेज पे तो इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है स्टार्टअप या सीड मनी जैसे कहते हैं लेकिन उससे आगे एक गैप आ जाता है फंडिंग जो है अवेलेबल नहीं होती सोशल इंटरप्रेन्योर्स के लिए ये चैलेंज है कि वो अपनी जो अर्ली सक्सेस है उसको किस तरह कैपिटलाइज करते हैं स्पेशली इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तीसरा एक इम्पोर्टेंट जो इशू है वो इनोवेशन के हवाले से है हम थ्रू आउट बात करते आए हैं कि सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट इनोवेशन नए आइडियाज़ नई अपॉर्चुनिटीज़ कुछ ऐसा जो पहले नहीं किया गया या वही प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उनको डिफरेंटली सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है तो ये बात ठीक है लेकिन यही चीज़ जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन सकती है हो सकता है इन्वेस्टर्स में वो जिसको कहते हैं रिस्क कैपिटाइट जो है वो ना हो वो रिस्क ना लेना चाहें एक ऐसी चीज़ के लिए इनोवेशन के लिए जो उनके कंफर्ट ज़ोन से बाहर है क्योंकि वो नहीं जानते कि उस पर कितना रिटर्न आएगा रिस्क और रिटर्न की जो रेशो है वो क्या होगी इसी तरह टाइम हरज़न का डिफरेंस है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है सोशल एंटरप्रेन्योर्स अमूमन सोशल प्रॉब्लम्स पर इन्वायरमेंटल चैलेंजेस पर काम करते हैं ये वो मसाइल हैं जो दो चार दिन दो चार महीनों या सालों में हल नहीं होते इस पर लंबा टाइम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डीफॉरस्ट्रेशन का केस है इन्वायरमेंट का तो एक फॉरेस्ट को शुरू करते और उसको ग्रो करते कितने साल लग सकते हैं आप आसानी से इमेजिन कर सकते हैं तो इन्वेस्टर्स जो हैं उनका टाइम हर शॉर्ट होता है वो जल्द अज जल्द मुमकिन जो उसका रिटर्न है अपनी इन्वेस्टमेंट का वो चाहते हैं ऐसे में बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कमिट करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने कैपिटल को और सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो है उनके लिए ये चैलेंज बन जाता है ख़ास तौर पर जब फाइनेंशियल जो रिटर्न है वो उस इक्वेशन में कम हो सोशल और इन्वामेंटल रिटर्न जो है वो ज़्यादा हो फिर अगर किसी सोशल एंटरप्रेन्योर को कोई फिल्म कोई गवर्नमेंट ग्रांट या कोई और इस तरह की लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मिल भी जाती है तो यकीन नहीं होता कि वो जारी रहेगी क्योंकि प्राइवेट डोनर्स जो हैं वो हो सकता है उनके पास ना रहे डोनेशन या वो किसी और कॉज के लिए कमिट कर लें अपने आप को या गवर्नमेंट जो है उसकी पॉलिसी चेंज हो जाए या गवर्नमेंट ही चेंज हो जाए और जो पार्टी गवर्नमेंट में आती है उसकी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट हो ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए मुश्किल हो जाता है कि वो उस टाइम फ्रेम को एडजस्ट करे कि उसके जो लॉन्ग टर्म गोल हैं वो इन्वेस्टर्स और फंडर के शॉर्ट टर्म जो उनका टाइम फ्रेम है उनके साथ कहाँ पर और किस तरह से एडजस्ट होंगे एक और इशू जो है कि अर्ली स्टेज पर तो इन्वेस्टमेंट मिल जाती है लेकिन हमने जैसे पहले बात की कि जब उन्हें स्केलिंग अप करना होती है जब टेक ऑफ करना होता है तो मुश्किल हो जाती है लेकिन बाजुकत अर्ली स्टेज पर भी चैलेंज होता है कि जो नए इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पर वो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में कंसर्न होते हैं जाहिर है वो भी पहली पहली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और ख़ास तौर पर सोशल कॉजेस के लिए पहली दफ़ा अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक नर्वसनेस होती है कि इसमें रिस्क कितना है और उसको एडजस्ट करके उन्हें रिटर्न कितना मिलेगा क्योंकि इन्वेस्टर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे उसको रिटर्न चाहिए तो ऐसे में सोशल एंटरप्रन्यर जो है वो प्रिडिक्ट कर सकता कि वो रिस्क कितना है मुख्तलिफ स्टेज पर एक्टिविटी के और रिटर्न कितना है हो सकता है बाद स्टेज पर रिस्क ज़्यादा हो लेकिन उसके साथ साथ रिटर्न भी ज़्यादा हो और बाद सूरतों में ये इनवर्स रिलेशनशिप हो सकता है फिर इसी तरह जो हाइब्रिड फॉर्म्स हैं फंडिंग की फिल्म गवर्नमेंट, कॉरपोरेट सेक्टर मिल के अगर किसी कॉज को कर रहे हैं फंड तो उसमें सब्सिडीज़ की डिवीजन का इशू आ जाता है बेनिफिशरी को तो सब्सिडी मिले फ़िल्म को तो ब, आ, मिले लेकिन एक इन्वेस्टर जो कमर्शियल रीजन से इन्वेस्ट कर रहा है उसको सब्सिडी मिलना जो है या उस सब्सिडी में से उसे एक्सक्लूड करना हर दो सूरतें जो हैं वो डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट हैं और सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए ये एक चैलेंज है कि कैसे वो कमर्शियल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट तो करे लेकिन सब्सिडी में से वो जो फ़ायदा है उसमें से उसको बाहर रखे इसी तरह सोशल एंटरप्रेन्योर के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो जो मार्केट प्राइसिंग मेकनिज़म है उसको अपने इन्वेस्टर के सामने रख के उसे रिटर्न इंश्योर कर सके क्योंकि सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो फी फॉर सर्विस भी करता है वो सब्सिडी भी देता है और वो फ्री गुड्स एंड सर्विसेज भी डिलीवर करता है ऐसे में मार्केट प्राइसिंग जो मेकनिज़म है वो फेल हो जाता है इन्वेस्टर को आप नहीं कह सकते कि ये मार्केट रेट है और इस पर इतना रिटर्न आ जाएगा तो ये वो कुछ चैलेंजेस हैं जो कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स को फंडिंग ढूंढते हुए या जो पॉसिबल उनके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं उनसे बातचीत करते हुए जहन में भी रखने हैं और अपने इन्वेस्टर से डिस्कस भी करने हैं ताकि वो क्लियर हो इन्वेस्टमेंट करते हुए ख़ास तौर पर कमर्शियल इन्वेस्टर जो कि रिटर्न में इंटरेस्टेड है सोशल कॉज के साथ साथ थैंक यू